रहमती बस हुक्म देता था, वक्त बताकर कहता था कि काम इतनी देर में हो जाए, वो हो जाता था वकार साहब। कानून और उसकी सेक्शंस की ऐसी की तैसी। बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंतहाई रहमदिल आदमी होगा। किस चीज़ की कमी है आपके पास? इज्जत, दौलत, शोहरत, मिनिस्टर लेवल का स्टेटस है आपके पास, इतने में भी फुल शपोका हीरो हीरो लगते हो आप। अबे माथा ला यार। जब तक मार जब तक मर नहीं जाता। आई वॉन्ट हिज डेड बॉडी। ठीक बोलिए ना अंग्रेजी। रिमोट थे ना, मरा नहीं अभी तक, जिंदा है वो। नथा जूरा इजहार तुम्हारा साथ देंगे? पिटे हुए खिलाड़ी हैं, आज रात को हम अलेमंस क्लब की मैनेजमेंट का तख्ता उलट देंगे और खान हमारे साथ है। हैंड्स अप। बड़ी नैश एंट्री हो तेरी। ओए होए, नूर और तैमूर तो चले गए लेकिन बाकियात बाकी हैं। मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गई। और नहीं तो क्या? तुम दोनों क्लोज वॉच जाओगे। यानी हम यही हैं? यहाँ नहीं, पागल खाने की क्लोज वॉच भिजवा रही हूँ। एंजॉय सबा। चलो फिर तैयारी करो। सॉरी मैं तो नहीं जा रहा। और एज यू नो मुझे तो पागल खाने से वैसे ही चिढ़ है। ओह चिड़चिड़े, बॉस ने फैसला कर लिया है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। चलो मरा भाई नहीं है, है। तो हमारी इज्जत रखो और इसकी जुबैदा से हमारी सिफारिश करो। तुम्हें तो पता है हम लेवेंस क्लब के बगैर नहीं रह सकते। चलो सोचेगा। ज्यादा नहीं सोचो खान, बीमार हो जाओगे। लेकर आओ इन्हें। जा मखीशा। चलो आ जाओ। अच्छा इसका मतलब पश्तो में है कि रुक जाओ? हाँ इसका मतलब है कि आगे हो चल। कंटेनर आगे होगा तो तुम उसका जो भी सामान है वो अपनी निगरानी में सारा उतरवा के मुझे बताओ, ठीक है? जी ओके। हेलो नूर, मुझे पता चला है तुम मेरे पीछे अम्मी का काफी ख्याल रखते हो। तो रखना ही था, कैसे ना रखता। मैंने भी यही कहा है। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ वापस आ गई या छुट्टियां ली हैं अपने उस हसीनो जमील द फैंसी व्हाट डू यू से द 11 क्लब से? तंस कर रहे हो, हम हसास लोगों के लिए वो जो दुनिया बनाई गई है मजाक उड़ा रहे हो उसका। मेरी इतनी औकात? बिल्कुल नहीं है, फौरन घर आओ, घर पे हूँ मैं। ऑलराइट सी यू। बाय बाय। चलो चलो आगे हो जाओ। मखकिशा मखकिशा मखकिशा। यार 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 मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सोने सोने मिट्टू मिट्टू खान लाला, आप तो सीरियस ही हो गए, बात तो सुने। बागी का मुंडी मरोड़ेगा, बात क्यों सुनेगा? हम हसास लोग हैं खान, कुछ तो ख्याल करो। ख्याल ही तो कर रहे, सिर्फ गिरफ्तारी की है बस। आप हमें हब से बेजा में रखना चाहते हैं? ये क्या होता है वो? बातों में उलझा रहा है तुम्हें। ये अगर जेरे हिरासत फौत हो गया ना तो लटका दिए जाओगे। हम तो रोज लटकते हैं, वो भी उल्टा सुबह वर्जिश के टाइम। फांसी की बात कर रहा है ये। कत्ल और डकैती, खास तौर पे मोबाइल और पर्स छीनने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। जूरा तेली जब यहां से आजाद होगा ना तो सारे लुटेरे जो रोडों पे लूट मार करता है इन सब का वो इनकाउंटर करेगा। ए आलमी शोहरत याफ्ता मुसल्ला शख्स, हम तो गपल गा रहे थे, बलवा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तुमको छोड़ नहीं सकते। ये लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े? पागल खाने नहीं गए? आप सीरियस हैं? जी। ये वाली दिखाना, इतनी प्यारी लग रही है इसमें, ये कब की है?
बाद में सुनूंगी। छुपा क्यों रही हो? दिखाना जरा, छुपा क्यों रही हो? कुछ नहीं। तो ये वो ताजी हैं जो आपको बार बार कॉल करके तंग करते रहते हैं, छुपा क्यों रही हो? मुझे तंग करके ना कोई सिर्फ पछता सकता है। ये तो मोबाइल फोन है जो जीने नहीं देता, बस और कुछ नहीं। इसे कह दो तुम सही रही हो। जो हम टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हो गए ना, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तरक्की, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा तकलीफें देती हैं। मेरी प्यारी बहन, माफ़ कर दो मुझे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम तो हर बात सीरियस ले लेती हो। जिंदगी और उसके मामले काफ़ी सीरियस होते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कैजुअल लेती हो। खैर छोड़ो इसे, तुमने तो आज मुझे अपने बारे में बताना था, बताया नहीं तुमने। अच्छा नहीं कर रही हो ये तुम। यादें, माजी, अजाब है अरब, छीन ले इससे। ना 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 ना, अभी ना हाफजा छिने मेरा, माजी से बड़ा हिसाब बाकी है मेरा। तुम कुछ ज्यादा रिवेंजफुल नहीं हो? मैं देखा, कभी कभी डर लगता है तुमसे। कुछ नहीं। हमें माफ कर दे प्लीज, हम छोटे छोटे लोग हैं, आइंदा शरारत नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे? कौन गारंटी देगा इसकी? हमारे सारे ग्रंटर बिजी हैं। डॉक्टर बहराम और डॉक्टर परी जिनके जमानती हों, उनसे ना डील की जा सकती है ना उन्हें ढील दी जा सकती है। जिन लोगों के आपने नाम लिए बेनाम पुरवरो, हम इनको नहीं जानते, हम तो बस आपको जानते हैं मारिया जी। ओके, लास्ट चांस। लेकिन आइंदा अगर कोई गलती हुई तो सीधे पागलखाने। बारो बार जान दे उस्ताद, डबल है, डबल है। छोड़ दो इन्हें खान। हैं? प्लीज। ये क्या बोल गई है? दिल तो नहीं कर रहे लेकिन चलो मजबूरी। परे कारी से बड़ा आया बंदूक जी। ओए, बड़ा बेदीदा आदमी है तुम, आजाद होते ही आंखें माते के पीछे ले गए। You deserve it, bro. Let's go. Thank you. So nice of you. बेइज्जत करके गया है तुम्हें। अच्छा, पहले तुम दोनों की बेइज्जती हो, चलो अपनी अपनी ड्यूटीज पे। तो पहले बताओ ना यार। चलो। तेरी नजर के इशारों से खेल सकता हूँ, जिगर फरोज शरारों से खेल सकता हूँ, तुम्हारे दामन रंगी का आसरा लेकर चमन के मस्त नजारों से खेल सकता हूँ। किसी के अहद मोहब्बत की याद बाकी है, बड़े हसीन सहारों से खेल सकता हूँ। मुझे खिजा के बगोले सलाम करते हैं, हया फरोश चनारों से खेल सकता हूँ। शराब व शेर के दरिया में डूब कर सागर, सुरूर व कैफ के धारों से खेल सकता हूँ। कितना खेलोगे जुड़ा? जितना खेलने दोगे जैन। जुड़ा, खेलना खिलाना हो गया हो तो आप अंदर चल के खाना खा लो। चलो चलो अंदर। वाह मेरे बब्बू गोशे। चलो खाना खाते, खाने में खेलते। चलो चलो। अच्छा हम चले, चलो भाई चलो। आप चलो, मैं इसके साथ आता हूँ। प्लीज चलिए। नहीं जाऊंगा मैं, जहां जाना मैं चला जाऊंगा। क्या कर रहे हैं बाबा, क्यों इतने गुस्से में? कौन सा बाबा, किसका बाबा? मैं तो सिर्फ एक खिलौना। क्या हुआ है, अपनी नूर को नहीं बताएंगे? तुम सिर्फ उस भगौड़े की कुछ लगती हो। उस बेवकूफ आदमी ने ना तुम्हें बिल्कुल निकम्मा बना दिया। वाए भी एक बार मेरे दिल पे पैर रख कर चल दिए ये जालिम। चंद घड़ियां तो मेरे पास बैठ रहा, या अभी भी उसी से पूछ के जिंदगी जी रहे हो? इतनी आसानी से कैसे जाते हैं?
तुम उस दिन अगर सामने ना आते तो मैं आज यहाँ और तुम वहां ना होते। अलविदा। अलविदा। ठीक है, तुम सिर्फ उसी के लिए यहाँ रुकी हो और पढ़ी रहो। अब हमारा साथ सिर्फ यहां तक का था। बेटी बाप से आखिरी दम तक जुदा नहीं होती। जाने की कोशिश करके दिखाइए, नहीं जा सकेंगे पक्का। लेकिन मैं जा रहा हूं, हमारा साथ सिर्फ यहां तक का था। आप मेरी बात तो सुने ना। सुन लिया मैंने आपकी बात जुबैदा। आप मुझे कैसे निकाल सकती हैं? मैडम शालम के सख्त ऑर्डर्स हैं कि जिसकी रिपोर्ट ठीक आई है उसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है। जुबैदा ये मत करना, मैं तुम्हें छोड़ के। छोड़कर क्या होता है? टीना को मिसगाइड करना, उसको दी 11th क्लब की मैनेजमेंट के खिलाफ उकसाना, यही काम किया है ना आपने? ये नत्था और इजहार ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, मैंने उनको पीटा था ना, उस बात का बदला ले रहे हैं। अच्छा आयान बताना जरा। मैंने अपने कानों से सुना था टीना को भागने का मशवरा जुबैदा ने दिया था। तो जुबैदा से बात करो, मुझे क्या क्या। देखा आप बिल्कुल नॉर्मल हैं जुबैदा, अब अपनी जगह किसी और को भी आने दें ताकि वो भी पागल खाने से निकल कर दी 11th क्लब आकर अपनी जिंदगी सवार सके। चलो आयान। मैं डॉक्टर बहराम से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं, अभी हमें चुन चुन कर निकालेंगे यहाँ से। मैं ये सुनहरी मौका इन्हें हरगिज नहीं दूंगा। तो क्या करोगे फिर? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। जवेरिया, जवेरिया। जी बाबा। तुम्हारी निम्रा से बात हुई? उसे क्या कहूं, मेरी शिकायतें लगाओ और तुमने क्या कहना है उससे? उस यतीम की बददुआएं ना लो। बददुआएं आजकल कौन देता है बाबा, सब तो पैसा कमाने में मसरूफ हैं। और आपके हुक्म के मुताबिक मैं निम्रा के साथ शराफत से ही पेश आ रहा हूं, लेकिन वो ना किसी झूठे आसरे पर जिंदा है। तुम उसे बताओ ना कि वो झूठा आसरा अब नहीं आएगा। ठीक है बात करती हूँ मैं उससे। नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो घी सीधी उंगली से निकले ना उसे निकालने में मजा नहीं आता। मैं अपने तरीके से काम करवा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं आपकी और ताया जान की कमाई किसी लफंगे को नहीं उड़ाने दूंगा। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है बाबा? बेटा इस माजूरी ने मेरी आधी जान ले ली है। मैं इससे नहीं लड़ सकता। बस बाबा रिलैक्स, मैं हूं ना आपके साथ, अल्लाह खैर करेगा। मैं हूं ना आपके साथ। दवा क्यों नहीं खाते अब? मुझे जरूरत ही नहीं है, अच्छा ठीक हो गया हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो, घर चले जाओ। घर तो यही है मेरा, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। तुमने क्यों नहीं सुनाई अपनी? कुछ बातें ना की जाएं तो अच्छी लगती हैं। वो कौन सी बातें? जिन्हें करने से किसी का दिल टूट जाए, किसी की दिल आजारी हो जाए। बड़ा जुल्म है किसी को हर्ट करना। शुरू में सब लड़के यही कहा करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि बस यूं ही कहा करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चोट खाई है। कान नहीं दवाई खाओ। सबा के साथ इतनी हमदर्दी में बात ना किया करो, नरम दिल लड़की है, तुम्हारी बातों में आगे तो फिर जाएगी नहीं। क्या बक रही हो? वही जो सच है। चलो अंदर पागल लड़की। जानती हूँ तुम उसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन यकीन करो मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूछो, मैं तो बताऊंगी। चुप सर। तो पता है कोई भी बात कब तक राज होती है? जब तक वो आपके अपने पास हो। जब वो जबान पे आ जाती है तो सरेआम हो जाती है। तुम इतनी मुश्किल ना हो नहीं जितनी बनने की कोशिश करती हो। आसान हो, बहुत आसान हो। शायद इतनी आसान के ना ही किसी ने चाहा और ना ही किसी ने जाना।
बहुत राज है इस चेहरे के पीछे, बहुत कुछ छुपा है इस दिल में। आज तो मैं जान के रहूंगी। चलो कमरे में चलते हैं, सब गर्ल्स आ जाएंगी। उठो आजा मुझे, चलो चलो चलो। I swear to God, I know you won't believe, I'm sorry, but I know for a fact, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें यूँ देखकर, इतना फ्रेश देखकर। But on the other hand, जो सलमान ने तुम्हारे साथ किया है, कोई बेकार माजी की याद नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस इतना बता दो कि अब करना क्या है। एक नई दुनिया बसानी है, बहुत कुछ करना है। इतना कुछ के लोग जो समझते हैं कि प्यार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाने से लड़की की दुनिया लुट जाती है, मैं अपनी नई दुनिया बसा कर ये साबित करना चाहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। That's it. ये तो बड़ा आसान काम है तुम्हारे लिए। हर किसी के लिए आसान है, अब यही तो दिखाना है। That's the spirit I was looking. आप लोगों के लिए चाय बना दूं? कॉफी ठीक है। शमा मैं चाय पीऊंगी। ठीक है, थैंक यू। सुना है तुमने नया बिजनेस अपना, तुम्हारी ब्रांच दुबई में भी है? अरे हाँ, बस छोटा मोटा स्टार्ट किया मैंने बिजनेस। अच्छा छोटा मोटा, तब इतना पैसा लगाया था, अब कैसे छोटा मोटा? दुबई में कुछ छोटा मोटा नहीं होता। पहले मेरी बिजनेस पार्टनर तुम थी, अब मैं अकेला हूँ, अकेले कितना कर लूंगा। न्यू ऑफिस आ गया हूँ ना, करते हैं अब। तू तो बहुत स्ट्रांग हो गया है। बैठो तो अब बताओ क्या कह रही थी मोहब्बत के बारे में, तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ। लड़कियाँ मोहब्बत के नाम पे धोखा खा जाती हैं और लड़के उनके साथ बेवफाई कर जाते हैं। दुनिया का कहना यह है, लेकिन मेरा मानना नहीं। मेरा मानना यह है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। देखो औरतों के हकूक के बारे में ना लड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन लड़कों की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। भी कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हारे नाम में आ छुपी है। भाई मैं तो एक खुली किताब हूँ, चुप चाप पढ़ लो। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे अम्मी अबू, कोई नहीं? फैमिली है, लेकिन मैं उनके लिए कोई नहीं। बचा बचा भी कोई नहीं। पूरा तो नहीं मानोगे, एक मशवरा दूं? हाँ क्यों नहीं, बोलो। उम्मीद है ना, सिर्फ अल्लाह से लगाया करो, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। उससे मोहब्बत करो, उसकी इबादत करो, उसका जिक्र करो, और तुम्हारी लैंग्वेज में नमाजें पढ़ना शुरू करो। कॉफी पियोगी? लेके आओ। पता नहीं क्यों बात टालती हुई लग रही हो, लेके चलो पी लेते हैं। स्ताप जुदाई की तीर बशी वख्तुना, स्ताप जुदाई के तेर बशी वख्तुना, मिने दे मलंकम वाड़म खेरुना, मिने दे मलंकम वाड़म खेरुना। उदास क्यों बैठे हो गर्मियों की शिकल दोपहर में? बीवी याद आ रहे। याद आ रहा है बीवी? भाई वो याद आती है। लुगत पे जुगत गठिया काम है, ना कर। उदास तो मैं भी हूँ ऐसे। किस लिए? रीमा के लिए। वो तो तुम्हारा बास है। वो भी अकेली और मैं भी, क्यों ना हम शादी कर लें? पहले भी तीन बंदों ने उससे शादी का सोचा था, फिर तीनों फोत हो गए। झूठा। सच कह रहा है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। जो वार्डन है ना। ओ हेलो वार्डन, क्या? कुछ नहीं मड़ा, उधर दो मेंबर्स को दौरा पड़ा है, तुम अंदर जाओ। अंदर नहीं बाहर पड़ा है दौरा, तुम अकेले को। अच्छा पड़ा है तो फिर? नहीं कुछ नहीं, बिजली के झटके लगेंगे तुम्हें पानी वाले टब में बिठाकर। चलो सबा। ये हमको कत्ल करवाना चाहता है। चाहता तो हम भी यही है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। सेट पे हो, ट्रक के नीचे आएगा।
दस गप होना देखा या अल्लाह। तुम रीमा के चक्कर से निकलो या फिर सीरियस हो जाओ। लो वाली बातें नहीं कर रहा, सीधी बात की है। यार एनी, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है मैडम, अपने काम पे ध्यान दो। हमारा भी यही ख्याल है जी। फिर आ गया मामा खामखा। थोड़ा सा सब्र करो, मैडम शाह आलम यूरोप से वापस आ जाए तो हम तुम दोनों बाजियों को अच्छा खबर सुनाएंगे। और वो खबर क्या होगी? किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो रहने दो। सस्पेंस जहर लगता है मुझे। ड्रामा सस्पेंस में ये मैडम। लेकिन सुनो, 11th क्लब फरोख्त होने वाला है समेत हमारे। क्या मतलब? एक बड़े इदारे ने हमारा कीमत लगा दिए। तुम बराए फरोख्त हो? जब तुम लोगों से इदारा चलेगा नहीं तो फिर बिकेगा ना। लेकिन ये फैसला अच्छा है। तुम पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। चलो सबा, पान बराए फरोख। जाओ जाओ ग्लूकोज पियो, पोलियो के कतरे पियो के तुमको होश आए। है किसी ने सही कहा है, अकल नहीं ते मोजे ही मोजा। इतना बड़ा खबर दे रहे कमक ली दी कना संगे पी कमा। ए अल्लाह दी सबर राखिनु। इतना मजा आया ना आज के दिन, मेरा तो अभी से ही कल ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे नहीं कहते आदिला। पता, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से ना करो या जितने घंटे आपके इदारे ने आपको दिए वो आप पूरे ना करें तो आपकी हक हलाल की रोजी में हराम शामिल हो जाता है और उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। अच्छा यार, तुम तो डराना शुरू कर देती हो। तो ये गलत डराती हूँ? छोड़ो इन सब बातों को, मुझे सिर्फ तुम्हारी कहानी सुननी है इस वक्त। सुनाओ। मेरी कहानी में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है। बस नो रोमांस, नो एक्साइटमेंट, नो थ्रिलर, नो एक्शन, नो कॉमेडी, नथिंग। जो भी है मुझे सुननी है, कंटिन्यू। चलो फिर ठीक है, सुनो। मैंने अब्बू की विल दो बार पढ़ी है, सब कुछ क्लियर है। चाचा कुछ मामलात हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी बेटा। ये मेरा और जवेरिया का हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे अगर इनका बस चले तो। किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारे वालिद है ना? हाँ, लेकिन इन्हें ख्याल तुम्हारा है ना? मत परेशान करो बाबा को, उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। यतीम भतीजे की खातिर ये हमें बर्बाद कर दें। इनफ इज इनफ, बहुत सुन ली तुम्हारी। तुम्हें खानदान की सरबराई लेकर चलनी है और दिया ना तुम्हें बिजनेस, उसको सही से निभाओ, अदरवाइज क्या फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? मेरे ताया और बाप के खून पसीने की कमाई जो मैं किसी सूरत बंटवारे की नजर नहीं होने दूंगा, ये समझ लो तुम। स्ट्रॉन्ग विद हिम। चाचा ये क्या चाहता है? कब्जा हर उस चीज पे जिस पे इसका हक नहीं। जवेरिया, देखो निम्रा, बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं ना, कोई मजाक नहीं है और ना ही इसमें उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन है। नाजम तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्यों, हम किसी जंगल में रहते हैं क्या? तुम किस दुनिया में रहती हो? आंखें खोलो निम्रा। जवेरिया, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मेरे नसीब की बारिश किसी और की छत में नहीं बरसेगी। मुझे अपने अल्लाह के साथ में पूरा भरोसा है। थोड़ा भरोसा मुझ पर भी करो। तुम जो सोचती हो ना वो अक्सर गलत होता है। जवेरिया। जी बाबा आई। जाओ नजम, देखो। देखो तुम जाकर, बूढ़ा माजूर बाप तुम्हें बुला रहे हैं और तुम यहां पर निम्रा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। जवेरिया तुम जाओ, मैं से बात करती हूं। मेरे अब्बू की मौत के बाद तुमने अपने बीमार बाप से
सारा बिजनेस और जॉइंट अकाउंट तो संभाल लिया है। एंड यू नो व्हाट, हमें तुम्हारा सारा प्लान भी समझ आ गया है। लेकिन लेकिन नहीं, असल बात तो सुनो। ठीक है बोलो, क्या चाहते हो? तुमसे शादी। तुम कहती हो कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ चाहा तुमने। चाचा मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि नजम ने मुझे बुरा भला कहा, अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। वो गुस्ताख लड़का बिल्कुल भटक गया। काश के मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस उसके हवाले ना किया होता। लेकिन बाबा आपने मजबूरी में किया था। बेटी हो ना, बाप की गलती को मजबूरी का नाम दोगी? चाचा आप सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, अगर बिजनेस आप टेक केयर कर रहे होते ना मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन नजम के साथ मैं बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकती। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना इन सब चीजों का। एक ही हल है, मैं अपना शेर लेके अलग हो जाऊं। वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। कैसे? मैं बात करूंगी और चाचा आप मेरा साथ देंगे। जी बेटा बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा। जब मुझे भेड़ बकरी समझता है ना, उसकी ये गलत फहमी इतनी दूर कर दूंगी कि किसी का हक मारने से पहले वो 10 दफा सोचेगा। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन बाबा को इस हाल में इतना कमजोर देखकर मेरा दिल टूट गया। उनका भी कसूर नहीं है कि इस बीमारी ने और चची की अचानक मौत ने उनको बीमार करके रख दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी, वरना ये नजम सब कुछ हड़प कर जाएगा और ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। नजम ने ये क्या कहा, वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं उससे शादी कर लूं? दुनिया में कई लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें मजहब, रूहानियत, इखलाकियात, इंसानियत जैसा कुछ भी अपने शौहर में नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं। नजम गरीब होता, बेरोजगार होता, लेकिन जिन बदकारियों में वो मुब्तला है, मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर अच्छा भी हो जाए, मैं किसी सूरत ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो ये बात जानता नहीं? वो दिन है और आज का दिन है, मैं घर पलट कर वापस कभी नहीं गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अल्लाह का सही से शुक्र अदा कर ही नहीं पाई कि मैं उसकी मखलूक से हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदी हूँ। हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये सर सब उसकी बारगाह में झुकता है। बस रुला दिया मुझे तुमने। तुमने कभी अपने काजिन को बद्दुआ दी? अल्लाह उसे मुझे हिदायत, बद्दुआ दे के क्या करना है।
तुम्हें लगता है कि वैसा शैतान कभी इंसान बन सकता है? वैसा वैसा कैसा जैसा भी हो इंसान जरूर बन सकता है, बस मेरे मालिक की नजरे करम चाहिए। बट ये तुम्हारे पर्दे भी नहीं पड़ेंगी बातें, चलो अंदर। तुम्हारे दिमाग से ना ये दूर चली जाएंगी सारी बातें। छोकरे इंसान का बच्चा बन तो वाइफ के घर लड़का खर्चा और गैरतमंद लड़का बर्बादी है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमने पहले कभी अपनी बहुओं से धंधा करवाया? बिरादरी को पता चलेगा और थूकेगी हम पर। जिंदगी कितनी हसीन है, और अगर प्यार करने वाले का साथ भी हो तो सुकून आ जाता है। काश किरण जी के दिल से भी मोहब्बत का गुजर हो, तो इतनी नफरत जिसे पाल पोस कर उन्होंने जवान किया है और अब मेरे घर को भी खतरा है, ये सब ना होता। किरण जी को ये सब समझना होगा क्योंकि मैं सलमान से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकती। सिर्फ इजहार अली खान ही नहीं बल्कि द इलेवेंथ क्लब का हर मेंबर अपने आप में एक दास्तान है, और अगर तुम अपना काम ठीक से कर लो तो ये भी एक नई दास्तान है। हम अगर खराब पहरेदार होता तो ये जगह चिड़िया द चंबा बन चुका होता, सब उड़ चुका होता। दरअसल खान, ये लोग किसी जहनी दबाव या फिर ना समझ आने वाली कैफियत से फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ ये लोग? अपने अपने घर। और ये लोग का मतलब तुम भी तो इन्हीं लोगों में से हो। You are right. और तुम, ड्यूटी बाहर है ना तुम्हारी? हाँ जी। अब अगर मैंने तुम्हें कॉमन्स रूम में घुसकर फलसफे झाड़ते हुए सुन लिया तो सुन करवा के भूसा भरवा दिया जाएगा तुम्हारे अंदर। बंदे दा पुत्र बन। वैसे खान, तुम्हें अगर भूसा भरा हो तो काफी बुरे लगोगे। तुम भूसे के बगैर भी हमको बुरा लग रहा है। बंदे दा पुत्र बन होए। पहले नफसियाती मरीजों को हमारे अंदर बैठने पर एतराज था, अब मायरे नफसियात को भी मसला हो गया यार। चौकीदार दरवाजे पे होता है ना खान। सिक्योरिटी अफसर है हम, चार गार्ड हमारे अंडर काम कर रहे हैं। सुन, नूर बीबी और सेठ तैमूर के जाने के बाद हमारा काम वैसे भी आधा रह गया। भागने की कोशिश तो हम भी करेंगे। गोली का आर्डर है इस बार भगोड़ों के लिए। चल तुझे नया स्टोरी सुनाए। ओ फफे कुटनी है, बस कर दे। ओए टीना बीबी के बारे में तुमको बताना है क्या? चल गया। सो रही हो अभी तक? अभी तक सो रही हो? टाइम क्या हुआ? 8 बज गए। सो रहा था, तबीयत नहीं ठीक। रात को तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ? तुमने माजी याद दिला दी ना, इसलिए फोन ने घंटा से होगा। I'm so sorry यार, मजाक कर रही हूँ। बुखार हो रहा है, ठीक हो जाएगा। हाँ हो रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाती। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, तुम ऑफ नहीं करोगी ऑफिस जाओगी तो। अच्छा ठीक है, फिर मैं हाफ डे करके आती हूँ वापस। दवाई खाई है तुमने? हाँ बाबा, ले ली दवाई, ठीक हो जाऊंगी। मैं साइमा को कहती हूँ कि तुम्हें ना सूप बना के दे। ओके। और मैं कॉल करके पूछूंगी कि तुमने सूप पिया या नहीं पिया। ओके अम्मा। हाँ ओके बाय। और तुम अपना ख्याल रखा करो, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। बहन हो तुम मेरी छोटी। मैं तो प्यारा लगता है जब ये कहती हो कि बहन हो मेरी। अब देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके ख्याल रखो। ओके ख्याल रखो अपना।
नवाबजादी, फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम? बाथरूम में थी शायद, इसलिए नजर नहीं पड़ी। वकील को फोन किया तुमने? नहीं, जहन से निकल गया था, अभी कर लेती हूँ। वकील, अदालत और मैं तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, वो कमीना शख्स। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, जो कुछ कहना है मुझे कह दो, कि मेरे बाप को क्यों जलील करते हो? उसे तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, बिजनेस दिया, सिर्फ इसलिए कि आज उसके मरने के बाद उसको गालियां दो। अपनी जिंदगी में कम से कम तुम्हारे साथ मेरा निकाह पड़वा जाता ना, तो आज मैं उसे गालियां ना दे रहा होता। जिस पर एहसान करूं ना, उसके शर से अल्लाह ही बचाए। बस बस, तकरीर नहीं, मेरा काम कर, वरना मैं तुझे खुद ढूंढ कर मार डालूंगा। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।